हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इग्नाइट साइड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। क्या आप सभी मूवीज़ देखते हैं? ऑब्वियसली आजकल सभी मूवीज़ देखते हैं। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। बट आपने कभी सोचा है कि मूवीज़ हमें किस तरह इफेक्ट करती होंगी भी या फिर नहीं? आइए आज बात करते हैं हम इस बारे में। मूवीज़ का क्रेज़ तो आजकल सबको होता है, बट मूवीज़ हमें डीपली इफेक्ट भी करती है, कुछ पॉजिटिवली तो कुछ नेगेटिवली। आइए पहले बात करते हैं पॉजिटिवली कैसे। पहला पॉजिटिव फीचर है कि मूवीज़ हमारा स्ट्रेस कम करती है, हमें एंटरटेन करती है। सेकंड थिंग, मूवीज़ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है। दिखाते हैं कि हमें डिसाइड करना है कि हमें पॉजिटिव पाथ पे चलना है या फिर नेगेटिव। और मूवीज़ में दिखाया जाता है जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा ही होगा। इस वजह से हमें पता चलता है कि हमें अच्छे का साथ देना चाहिए ना कि बुरे का। इस वजह से हमारी एक डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है कि हमें हमेशा अच्छे का साथ देना चाहिए ना कि बुरे का। साथ ही साथ ऑडियंस अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव रोल ऑफ हीरो हीरोइंस के। वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह एक पॉजिटिव पाथ पर चले। इस वजह से वो अपने रोल मॉडल की तरह बनने के लिए हमेशा अच्छे पाथ पर चलना चाहते हैं, जो कि बहुत हेल्प करता है। एक केस था जिसमें एक इंसान ने अमिताभ बच्चन जी के नाम पे एक ट्रक भर के समोसे गरीबों में बांटे थे, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल थे। साथ ही साथ कुछ मूवीज़ हमें लाइफ लेसन सिखाती हैं, जैसे कि थ्री इडियट्स, छिछोरे और ऐसी कई मूवीज़। तो वही कई मूवीज़ हमें साइंस फिक्शन से कन्फ्रंट कराती है, तो कुछ टेक्नोलॉजी से। हमें प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं टेक्नोलॉजी के, और बताया जाता है कि हमें एक टेक्नोलॉजी को किस वे में यूज़ करना है। एक टेक्नोलॉजी को अगर हम सही वे में यूज़ करें तो वो कुछ भी कर सकती है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर हम एक टेक्नोलॉजी को गलत वे में यूज़ करें तो वो बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तो देखी होगी। उसमें एडिट क्लासेस जब स्पाइडरमैन के पास थे, वो उसको सही तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। बट जैसे ही वो मिस्टीरियो के हाथ में गए, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। जिससे हमें पता चलता है कि हर चीज़ को करने के दो तरीके हैं, सही या गलत। और मूवी ने हमें दिखाया है सही के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और गलत के क्या। इस वजह से मूवीज़ हमें प्रोज एंड कॉन्स भी बताती है। साथ ही साथ कुछ मूवीज़ हमें मोटिवेट करती है हमारी आगे आने वाली लाइफ के लिए। कुछ मूवीज़ बनाई जाती है सोशल अवेयरनेस के टॉपिक पर, जैसे कि डाउरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड डोमेस्टिक वायलेंस। मूवीज़ के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि एंटरटेन करती है, देशभक्ति की फीलिंग लाती है और ऐसे कुछ। बट जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मूवीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। आइए बात करते हैं अब हम नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि लोग पॉजिटिव रोल्स को अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं और पॉजिटिव वे में चलने लगते हैं, उसी तरह कुछ लोग नेगेटिव रोल्स को अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं और सोसाइटी एक नेगेटिव पाथ पर चलने लगती है। मिस्टीरियस मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि एक क्राइम कितने स्मार्टली किया जा रहा है, उसी को क्रिमिनल्स कॉपी करने लग जाते हैं। मैं आपसे इसके एक दो केसेस शेयर करना चाहती हूँ। दृश्यम कैसी मास्टरपीस मूवी है ये बात तो हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते वो इस मूवी को देखने के लिए फुल्ली रिकमेंडेड है। बट उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर एक पर्सन ने रियल लाइफ में एक मर्डर को उसी तरीके से अंजाम दिया था जैसे कि मूवी में दिखाया गया था। साथ ही साथ मूवीज़ में होने वाला वायलेंस बच्चों पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं स्टंट्स के। मूवीज़ में अलग अलग तरीके से स्टंट दिखाए जाते हैं, जिन्हें टीनेजर्स अपनी बाइक्स और कार्स पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं इससे, और कई बार बच्चों की जान भी चली जाती है। नेक्स्ट थिंग, अब्यूसिव लैंग्वेज। मूवीज़ में अब अब्यूसिव लैंग्वेज कॉमनली यूज़ करी जाती है, नोइंगली और अननोइंगली। बच्चे भी, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे भी उसको कॉपी करने लगते हैं, जिसका उनके नेचर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह की मूवीज़ देखनी चाहिए, और आगे पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कौन सी मूवी देखने दे और कौन सी नहीं। तो इसीलिए मैंने मूवीज़ को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, मीन्स मूवीज़ के कुछ टाइप्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 5-star, 3-star एंड 0-star। 5-star मूवीज़ हमें देखनी चाहिए, 3-star आप देख सकते हैं, और 0-star आपको कभी नहीं देखनी चाहिए। आइए बात करते हैं इस बारे में। 5-star मूवीज़ जिसके अंदर आती हैं बायोपिक्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, स्पोर्ट्स बेस्ड, सोशल इशू बेस्ड, पेट्रियाटिक, बिजनेस बेस्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज और साइफाई। इनमें कुछ मूवीज़ ज़्यादा आती हैं, जैसे कि तारे ज़मीन पर, चक दे इंडिया, दंगल, मैरीकॉम, सुल्तान, आर्टिकल 15, ऐसी कुछ मूवीज़। अब बात करते हैं 3-star मूवीज़ की, जिसमें आ जाते हैं लाइट कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा, लव स्टोरीज़। अब बात करते हैं 0-star मूवीज़ की, जो हमें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, हॉरर,
एडल्ट कॉमेडी, अब्यूसिव, क्राइम, वायलेंस, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मर्डर, द डर्टी पिक्चर, नागिन, जानी दुश्मन, गर्लफ्रेंड, ऐसी कुछ मूवीज़। जो मैंने आपको जीरो स्टार मूवीज़ बताई हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उनको कभी मत देखिए, क्योंकि ये सिर्फ माइंड पे डीपली इफेक्ट करती हैं और कुछ नहीं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नीचे का रेड बटन वेट कर रहा है ग्रे होने का। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।